पूसा तेजस एचआई 8759 बनाम राज 4037 गेहूं की जो वैरायटी है इनका कंपेयर करने वाले हैं। पूसा तेजस एचआई जो 8759 और राज 4037 काफ़ी बड़े एरिया पर यह किस्में लगाई भी जाती हैं और काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट है। पूसा तेजस मध्य प्रदेश की फेमस किस्म है जो कि मालवा क्षेत्र के लिए ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी से निकाला जाता है एवं राज 4037 गेहूं कम दिन में कम समय में तैयार होने वाली और राजस्थान में खासकर बोई जाने वाली प्रमुख किस्मों में से एक है। प्रत्येक किस्म मुख्य स्थान के लिए तैयार की जाती है, खासकर जलवायु भूमि और पानी के अनुसार अपने आप को गर्मियों में जो प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशील कंडीशन के हिसाब से जो वैरायटी सर्वाइव कर जाए उस हिसाब से किस्मों को निकाला जाता है। तो अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्मों का चुनाव करना चाहिए। पूसा तेजस एचआई 8759 और राज 4037 का कंपेयर करने वाले हैं। हर एक वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करती है। तो हर एक जो वैरायटी है उसकी एक अलग विशेषताएं होती हैं, कुछ वीकनेस भी होती हैं, तो इन दोनों का कंपेयर हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। पूसा तेजस एचआई 8759 ICAR इंदौर द्वारा 2016 में विकसित की गई थी, जबकि राज 4037 दुर्गापुर यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान द्वारा 2004-05 में विकसित की गई थी। पूसा तेजस को मध्य प्रदेश अगर मालवा के आसपास के जो मैदानी इलाकों पर जहां सिंचित क्षेत्रों पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस वैरायटी की बुआई की जाती है और पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकाली जाती है, लेकिन आप पूसा तेजस को मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। राज 4037 जो वैरायटी है राजस्थान के लिए यह है जो मेनली बनाई गई है और आप इस वैरायटी को राजस्थान के साथ साथ गुजरात हरियाणा छत्तीसगढ़ और साथ ही पंजाब पर आप 4037 को लगा सकते हैं। पूसा तेजस का दाना ठोस वजनदार और दाना थोड़ा सा लंबा ना हो करके हल्का लाल मध्यम छोटा होता है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, जबकि राज 4037 का दाना इसका दाना चमकदार लंबा मुलायम देखने के लिए मिलता है। पूसा तेजस जो वैरायटी है वो लगभग तैयार होने में 130 से 135 दिन के आसपास का समय ले लेती है, जबकि राज 4037 जो वैरायटी है 110 से 115 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। पूसा तेजस पौधे की लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है, जबकि राज 4037 के पौधे की जो ऊंचाई है 75 से 80 सेंटीमीटर होती है। पूसा तेजस का उत्पादन एक एकड़ में समय में यदि आप बुआई करेंगे तो 26 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं, जबकि राज 4037 की जो पैदावार है वो 20 से 22 क्विंटल एक एकड़ में आप निकाल सकते हैं। पूसा तेजस जो गेहूं है यह खाने में उतनी वेस्ट नहीं है, सही नहीं है, इसकी रोटी उतनी अच्छी नहीं आती है, जबकि राज 4037 की जो रोटी है वो मुलायम और काफ़ी सफ़ेद देखने के लिए मिलती हैं। पूसा तेजस कठिया गेहूं है, जबकि राज 4037 नॉर्मल और बढ़िया वैरायटी है। पूसा तेजस का उपयोग मैदा सूजी नूडल्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जबकि 4037 राज को खाने के हिसाब से बढ़िया बताया गया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलता है। पूसा तेजस एचआई 8759 की बुआई आप 20 नवंबर तक कर सकते हैं, जबकि राज 4037 की बुआई आप 25 दिसंबर तक कर सकते हैं, यानी आप इसे बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहे हैं तो अभी आप 25 दिसंबर तक राज 4037 की बुआई कर सकते हैं। एक एकड़ में पूसा तेजस की बुआई कर रहे हैं तो 40-45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यदि आप राज 4037 की लेट बुआई कर रहे हैं तो फिर आपको एक एकड़ में 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पूसा तेजस की एक अलग ही फुटाप देखने के लिए मिलते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा फुटाप देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन पूसा तेजस का यदि हम कंपेयर करें तो राज 4037 में थोड़ा सा फुटाप की क्षमता कम देखने के लिए मिलती है। पूसा तेजस पर 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ेगी, जबकि राज 4037 पर 3 से 4 सिंचाई पर भी यह फसल आ जाती है, और कहीं कहीं पर 3 सिंचाई है तो अभी राज 4037 वैरायटी एकदम तैयार हो जाती है।
बेचने पर जो पूसा तेजस है 100-200 रुपये का जो रेट है वो कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा दाना इसका लाल होता है और उतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उत्पादन अच्छा है। अगर आपको 100-150 रुपये प्रति क्विंटल रेट कम भी मिलेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी पैदावार अन्य वैरायटियों से काफ़ी आगे है, यह वैरायटी बढ़िया है। जबकि राज 40-37 जो वैरायटी, इसमें रेट हर वैरायटी की तरह इसमें भी जो रेट है वो उतना ही मिलता है, नॉर्मल रेट रहता है, इसका रेट कटिंग में कोई खास इशू नहीं है। पूसा तेजस और राज 40-37 में यह दोनों किस्मों में गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। पूसा तेजस 1000 दानों का वजन 50 से 60 ग्राम होता है, जबकि 40-37 1000 दानों का वजन 45 ग्राम के आसपास होता है। पूसा तेजस में पीला और भूरा रतुआ रस्ट के प्रति यह किस्म पूरी तरह सहनशील है, जबकि राज 40-37 में भी यह जो वैरायटी है मध्यम सहनशील है। समय के ऊपर अगर हम बात करें तो पूसा तेजस की बुआई आप टाइमली कर सकते हैं, यानी समय में कर सकते हैं, और मध्यम देरी से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं, मध्यम देरी से बुआई कर सकते हैं। जबकि आप रात 40-37 की बुआई लेट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं है। पूसा तेजस की बाली का जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ देखने के लिए मिलता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, जबकि राज 40-37 की जो बाली है वो सुजाता या फिर श्रीराम सुपार 303 की तरह ही देखने के लिए मिलती है, लंबी बाली होती है। यह दोनों वैरायटी सीड्स की जो कीमत 40 किलोग्राम का जो पैक आता है 1500 रुपये से लेकर 2800 रुपये के बीच में रेट हमको सीड्स का देखने के लिए मिलता है, अलग अलग सिटी पर रेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो पूसा तेजस का उत्पादन बहुत अच्छा है, और जो राज 40-37 है, यदि सिंचाई के साधन कम हैं और फरवरी मार्च एंड तक गर्म हवाएँ चलने लगती हैं, तो कोई अन्य वैरायटी जो आप लेट हो गए हैं, कोई ऐसी किस्म की बुआई करते हैं तो दाना सिकुड़न की या फिर दाना पतलेपन की समस्या आ सकती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप राज 40-37 की बुआई कर सकते हैं। अब इसका जो उत्पादन थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि यह लेट वैरायटी है, लेट बोई जाने वाली किस्म है, और गर्म हवाएँ चलेंगी, जैसे खासकर राजस्थान पर गर्म हवाएँ चलती हैं या फिर टेम्परेचर हाई रहता है, तो जो प्रतिकूल वातावरण क्लाइमेट कंडीशन पर भी राज 40-37 काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, और अपने आप को ठीक तरीके से प्रतिकूल वातावरण पर भी सर्वाइव कर पाती है। भले राज 40-37 का उत्पादन कम है, लेकिन यह खाने में बढ़िया वैरायटी है, और यदि आप लेट हो रहे हैं गेहूं की खेती करने में तो राज 40-37 की बुआई भी कर सकते हैं। इन दोनों वैरायटी में सबसे आगे पूसा तेजस वैरायटी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इन वैरायटी को ख़रीदने के लिए आपके शहर में जो बड़ी फर्टिलाइज़र शॉप है वहाँ से आप खरीद सकते हैं, सीड्स को बाय कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो किसान मित्रों तक इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।